साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में अपने कर रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न और वो भी हल सही आज अपने कर रहे हैं सात नवंबर 2020 को फर्स्ट पारी के आधे क्वेश्चन अपने ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं और बचे हुए क्वेश्चन आज अपने कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन चाहे पटवार हो चाहे ग्राम सेवक चाहे एल डी सी सी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको क्लास शुरू से अंत तक पूरी देखनी है ताकि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ सके तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स बी ड्रम प्रिंटर सी सीधे का डेजी वेल प्रिंटर और डी दे रखा है लेजर प्रिंटर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इससे बताया इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है अगला क्वेश्चन दे रखा है मोनिटर की उद्रव लंबाई का क्षतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं यानी कि उसकी होर्जेंटल और वर्टिकल जो लंबाई उनका आपस में रिलेशन क्या होता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए डॉट पेज बी रेजोल्यूशन सी एस्पेक्ट रेशियो डी दे रखा है साइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो एस्पेक्ट रेशियो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन कार्य का भाग होता है स्पेस की जगह अपने क्या आएगा ऑप्शन ए देखा समर्थी बी प्रक्रिया सी फाइल डी सुरक्षा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो फाइल है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विकल ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता ऑप्शन ए सामानतिक प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन फाइल प्रबंधन डेटाबेस प्रबंधन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस प्रबंधन इसका कार्य नहीं होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऑप्शन ए एंड्रॉयड बी सीम ओएस एन ओ एस सी देर का फायरफॉक्स डी दे रखा आई ओ एस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फायर फॉक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अगला क्वेश्चन दे रखा है पाम ओ एस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है ऑप्शन ए दे रहा है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बी मल्टी टास्किंग सी मल्टी यूजर और डी दे रखा है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पाम ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसका प्रकार रहेगा एम एस वर्ल्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी है उससे अपने पूछा गया कौन सी कुंजी रहेगी कंट्रोल बी कंट्रोल एन कंट्रोल डी कंट्रोल एम तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी है वो कंट्रोल प्लस एन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है तो मर्ज सेल्स स्प्लिट सेल स्पलिटेबल्स ऑटोफिट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्प्लिट सेल है वो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो टेन में ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित रहता है माई डॉक्यूमेंट्स में टास्क बार में रिसाइकल बिन में माई कंप्यूटर में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टास्क बार उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी से समझ आ रही होगी आपको क्लास में शुरू से अंत तक रहना है ताकि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझाए समझ आ सके क्योंकि क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है आजकल हर एग्जाम में कंप्यूटर के पर्सन पूछे जाते हैं और अगर नहीं पढ़ें तो हमेशा दिक्कत करते हैं तो बहुत ही उपयोगी क्लास है अगला क्वेश्चन है अपने पास विंडो टेन ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ रहती है तो ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टास्क बार वार में, में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है वेब कैमरा स्पीकर लाइट पेन ओ एम आर इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है कीबोर्ड लाइट पेन जो स्टिक स्कैनर तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो लाइट पेन लाइट पेन होता है जिसका उपयोग अपने स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए कर सकते हैं अगला क्वेश्चन दे रहा है एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है तो डेजिवल प्रिंटर ड्रम प्रिंटर प्लोटर चैन प्रिंटर तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि प्लोटर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर डेजीवल प्रिंटर प्लोटर रेजर प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपको एक तालिका में दो या दो से अधिक सेल को सम्मिलित करने कंबाइन करने की सुविधा देता है पृष्ठभूमि तो में आभाषिक पार्ट सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है घोष्ट कमेंट वाटरमार्क तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटरमार्क है इसका सही आंसर तो ये थी आज की क्लास सात नवंबर दो हजार बीस कॉम्प्यूटर परीक्षा में आवे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करें वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें घंटी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही उपयोगी क्लास है तो मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ तब तक धन्यवाद